नील परी का जादुई नीला हैंडबैग। एक बार की बात है, गीतापुर गांव में सुरेश अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन एक दिन किसी हादसे की वजह से सुरेश की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुलेखा के कंधे पर आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए गांव के ही बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम किया करती है और अपनी बेटी पायल को गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी, क्योंकि सुलेखा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। इसलिए वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। लेकिन उनकी गरीबी की वजह से स्कूल में सभी बच्चे पायल का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और उसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही आज भी, अरे पायल बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और नाश्ता भी बना दिया है, इसलिए तुम अब जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। ठीक है माँ। और हाँ बेटा, स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रही है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ माँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं उन बच्चों की बदतमीजी को सहकर भी रोज स्कूल जाती हूँ, इसलिए अब आप चिंता मत करिए और अपने काम पर जाइए, मैं टाइम से स्कूल चली जाऊंगी। इतना कहकर सुलेखा अपने काम पर चली जाती है और कुछ ही देर में पायल भी तैयार होकर अपने स्कूल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन तभी स्कूल की कुछ बदमाश लड़कियां पायल का रास्ता रोककर उससे कहती है, अरे क्या बात है, आज तो इस गरीब पायल की ड्रेस बड़ी चमक रही है, लगता है इसकी माँ ने इसके नए कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो, वॉशिंग मशीन, वो भी इनके पास? अरे इनके पास तो दो वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये बिचारी तो गरीब है, इसलिए इसकी माँ इसके कपड़े दूसरों की मशीन में धोकर लाई होगी। लेकिन मुझे इसकी ड्रेस इतनी चमकती और अच्छी नहीं लग रही है, तो क्यों ना हम इसकी ड्रेस इसकी औकात के बराबर कर दें, क्यों दोस्तों? इतना कहकर वो लड़कियां पायल को कीचड़ में धक्का दे देती है, जिसके बाद पायल की स्कूल ड्रेस पूरी तरह से गंदी हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वो लड़कियां हंसते हुए कहती है, और पहने ना तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़े, अब इसमें तुम बिल्कुल गरीब और एक काम वाली की बेटी लग रही हो, इसलिए आज के बाद हमारी बराबरी करने की सोचना भी मत। इतना कहकर वो लड़कियां हंसते हुए स्कूल चली जाती है और बेचारी पायल को अपने गंदे स्कूल ड्रेस में ही स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन उसके स्कूल पहुंचते ही स्कूल के सभी बच्चे पायल को बुरा भला बोलने लगते हैं। ओ माय गॉड, इस पायल ने कितनी गंदी ड्रेस पहन रखी है, मुझे तो इसके पास खड़े होने में भी घिन आ रही है, पता नहीं हमारे स्कूल में ये कैसे कैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, इसकी वजह से तो स्कूल का पूरा माहौल ही खराब हो गया है। तभी वहाँ पर बच्चों की भीड़ देखकर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और कहती है, अरे तुम बच्चों ने यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या हो रहा है, चलो जाओ सब अपनी क्लास में। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। उसी समय प्रिंसिपल पायल से कहती है, अरे पायल तुम्हारी स्कूल ड्रेस इतनी गंदी कैसी हो रखी है, तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में सभी बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं, तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े कभी धोती नहीं है क्या? नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, माँ ने तो मेरी ड्रेस कल ही धोई थी, लेकिन आज स्कूल आते समय मैं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से मेरी पूरी स्कूल ड्रेस खराब हो गई। ये सब मैं नहीं जानती, इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ और कल से बिल्कुल साफ ड्रेस पहन कर आना, वरना मैं तुम्हें स्कूल के अंदर घुसने भी नहीं दूंगी, समझी? प्रिंसिपल की बात सुनकर पायल रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है और कहती है, अगर माँ को पता चला कि आज मेरी गंदी ड्रेस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, अब मैं माँ को ये सब कैसे बताऊंगी? ऐसा करती हूँ, माँ के आने से पहले मैं अपनी स्कूल ड्रेस धो देती हूँ, फिर माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर पायल अपनी स्कूल ड्रेस धोकर डाल देती है। लेकिन जब शाम को सुलेखा घर वापस आती है और वो पायल की गीली ड्रेस सूखती हुई देखती है तो वो पायल से कहती है, अरे पायल बेटा ये तुम्हारी ड्रेस गीली कैसी हुई? वो माँ मैंने अपनी स्कूल ड्रेस धोई है ना इसलिए। लेकिन बेटा मैंने कल ही तो तुम्हारी स्कूल ड्रेस धोई थी ना, फिर तुम्हें आज दोबारा धोने की क्या जरूरत थी? वो माँ टीचर ने कहा है कि सभी बच्चे रोज अपनी ड्रेस धोकर पहन कर आएंगे इसलिए। लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज सर्फ साबुन खरीद सके, इसलिए तो मैं तुम्हारी ड्रेस हफ्ते में सिर्फ एक बार ही धोती हूँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आइंदा अपनी ड्रेस जल्दी गंदी नहीं करूँगी। इसके बाद सुलेखा खाना बनाती है और फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुलेखा फिर से अपने काम पर चली जाती है
और पायल हमेशा की तरह तैयार होकर अपने स्कूल जाने लगती है। आज तो मेरी ड्रेस एकदम साफ सुथरी लग रही है, आज प्रिंसिपल मैम मुझे स्कूल से नहीं निकालेंगी। इतना कहकर पायल खुशी खुशी अपने स्कूल जा रही होती है कि तभी रास्ते में फिर से वो बदमाश लड़कियां पायल का रास्ता रोक लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती है क्या कि हमें तुम्हारी ये साफ सुथरी ड्रेस अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लगता है तुम्हें ये रोज बताना पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़कियां पायल को फिर से कीचड़ में धक्का दे देती हैं, जिसके बाद पायल की स्कूल ड्रेस फिर से गंदी हो जाती है और आज तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो रोती हुई एक पार्क में आकर बैठ जाती है और कहती है, वो लड़कियां मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है, आखिर मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे वो लोग हमेशा इस तरह बेइज्जती करती है, क्यों मुझे वो लोग हमेशा इस तरह बेइज्जत करती है, क्या गरीब लोगों को साफ सुथरा कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है, और अब मैं अपनी स्कूल ड्रेस कैसे साफ करूं, आज तो मैं अपनी स्कूल ड्रेस धो भी नहीं सकती हूं, वरना माँ मुझे फिर से डांटेंगी, अब मैं क्या करूं, मैं रोज रोज माँ को परेशान भी तो नहीं कर सकती। इतना कहकर पायल पार्क में ही बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती है कि तभी परी लोग से आई नील परी की नज़र पायल पर पड़ती है और वो पायल के पास आकर उससे कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह रो क्यों रही हो, अरे आप कौन हो, मैं परी लोग की नील परी हूँ और तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आ गई, तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। नील परी की बात सुनकर पायल उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, तभी नील परी कहती है, बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी ये परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर नील परी अपनी जादुई शक्तियों से पायल को एक नीला हैंडबैग देती है और कहती है, पायल ये कोई मामूली हैंडबैग नहीं है बल्कि जादुई हैंडबैग है, और अब तुम इस हैंडबैग से जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप सच कह रही हो नील परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनकर नील परी वहाँ से गायब हो जाती है और पायल वो जादुई हैंडबैग लेकर अपने घर वापस आ जाती है और उस जादुई हैंडबैग से कहती है, हे मेरे जादुई हैंडबैग, मेरी स्कूल ड्रेस को फिर से नया कर दो। पायल के इतना कहते ही वो हैंडबैग चमक उठता है और पायल की स्कूल ड्रेस बिल्कुल नई हो जाती है और ये देखकर पायल भी बहुत खुश हो जाती है। और जब शाम को सुलेखा घर वापस आती है तो पायल उसे जादुई हैंडबैग के बारे में सब कुछ बता देती है। उसी समय सुलेखा कहती है, क्या तू सच कह रही है बेटी। हाँ माँ, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई हैंडबैग, तुम मेरे इस छोटे से घर को एक सुंदर से घर में बदल दो। पायल के इतना कहते ही वो जादुई हैंडबैग फिर से एक बार चमक उठता है और पायल का छोटा सा घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। और ये देखकर सुलेखा को भी पायल की बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहती है, अरे वाह, ये तो एक चमत्कार जैसा है, सच में उस नील परी का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी वजह से अब हमारे जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसी तरह उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती। और ऐसी ही दोनों माँ बेटी जादुई हैंडबैग की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती। ये कहानी है मीना नाम की एक गरीब दर्जी की, जो अपनी तीन बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और अपने पति के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीना के कंधों पर आ जाती है और मीना अपना घर चलाने के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसे बहुत कम लोग कपड़े सिलवाया करते थे और उसे बदले में बहुत कम पैसे भी देकर जाया करते थे। और उसी से जैसे तैसे करके मीना अपनी बेटियों को दो वक्त की रोटी खिला पा रही थी। लेकिन मीना की तीनों बेटियों की एक खास बात थी कि उसकी तीनों बेटियों के बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और सुनहरे थे, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसकी बेटियों के लंबे बाल देखकर उसे जला करते थे। ऐसी ही आज भी जब मीना कपड़े सिल रही होती है तभी उसकी सबसे छोटी बेटी पायल उसे कहती है, माँ आप कब से सिलाई कर रही हो, अब बस भी करो ना माँ, बाकी के कपड़े आप बाद में सिल लेना, वरना हम लोग मुखिया जी के यहाँ महाभोज पर देर से पहुँचेंगे तो कहीं हमें वहाँ पर खाना ही ना मिले, इसलिए जल्दी चलो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है।
बस मेरी बच्ची थोड़ी देर और, मैं बस जल्दी से ये ब्लाउज पूरा कर लूँ फिर चलेंगे। इतना कहकर मीना जल्दी जल्दी मशीन चलाकर सिलाई करने लगती है कि उसी बीच मशीन की सुई मीना के हाथ में चुभ जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उसी समय पायल कहती है, अरे माँ क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना? हाँ मेरी बच्ची मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए मीना अपनी बेटी से अपना दर्द छुपाते हुए साड़ी से अपना खून पोंछ लेती है और कुछ देर बाद वो अपनी बेटियों को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे काजल प्रीति पायल कहाँ हो तुम लोग, जल्दी इधर आओ, चलो चलते हैं। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तीनों बेटियाँ कमरे से बाहर आती है। उसी समय उसकी दूसरी बेटी प्रीति कहती है, लेकिन माँ क्या मुखिया जी के घर पर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर दावत खाने जाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। प्रीति की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन काजल कहती है, कोई बात नहीं प्रीति, भला वैसे भी इतनी भीड़ में हमारे कपड़े कौन देखेगा, और माँ तो हमारे लिए वैसे भी दिन रात इतनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए कोई नए कपड़े खरीद सके। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे मेरी बच्चियों, माना कि तुम लोगों के पास नए कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम लोगों के ये लंबे सुनहरे बाल भी किसी से कम नहीं हैं। इसलिए अभी देखना, मैं तुम लोगों की इतनी सुंदर चोटियां बनाऊंगी, फिर मेरी बेटियां भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। इतना कहकर मीना अपनी तीनों बेटियों की सुंदर सुंदर चोटी बनाती है और कहती है, अब देखो मेरी तीनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही है अपनी इन लंबी चोटियों के साथ, और भला पूरे गांव में मेरी बेटियों की जैसी लंबी चोटी क्या किसी की है। इतना कहकर मीना अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुखिया जी के यहाँ चल रहे दावत पर जाती है, और दावत में तरह तरह के पकवान देखकर मीना की तीनों बेटियाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होता है। उसी समय उसकी छोटी बेटी पायल कहती है, प्रीति दीदी देखो तो यहाँ पर कितना सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, मैं तो आज पेट भर के खाऊंगी। इतना कहकर वो तीनों बहनें जैसे ही प्लेट उठाने जाती है, उसी समय मुखिया वहाँ पर आता है और उसकी बड़ी बेटी की चोटी खींचते हुए कहता है, अरे तुम मनहूसों को किसने कहा मेरी दावत में आने के लिए, बड़ी आई मेरे घर में दावत खाने वाली। मुखिया काका छोड़ दीजिए मेरी बहन को। इतना सुनकर मुखिया मीना की बड़ी बेटी की चोटी खींचते हुए उसे घर से बाहर निकालने लगता है कि तभी मीना आंखों में आंसू लिए कहती है, अरे मुखिया जी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरी बच्ची के बाल को, अरे आपको जरा सी भी दया नहीं आई इन मासूम बच्चियों के बालों को खींचते हुए। अच्छा तो इन मनहूस बच्चियों के साथ साथ उसकी माँ भी यहाँ आई है, तभी तो मैं कहूँ कि इन दो कोड़ी की बच्चियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे घर में घुस गई। बस करिए मुखिया जी, पहली बात तो ये कि मेरी बेटियाँ मनहूस नहीं है, तो आप इन्हें बार बार मनहूस कहना बंद करिए, और रही बात आपके घर में घुसने की, तो आपने इस दावत पर पूरे गाँव को न्योता दिया था, तो हमें लगा शायद हम भी इस गाँव का हिस्सा है, बस इसी वजह से हम भी इस दावत में आ गए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा दिमाग खराब है ना, जो मैं तुझ जैसे गरीब दर्जी को अपने घर के दावत पर न्योता दूंगा, और मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू तो खुद अपनी बच्चियों की तरह मनहूस है, तभी तो अपने पति को जीते जी खा गई। मुखिया के ऐसे तानों को सुनकर मीना की आंखों से पानी की तरह आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि लोगों का तो काम ही है किसी गरीब को नीचा दिखाना, और इसी वजह से मीना अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर आ जाती है। और रात में अपनी तीनों बेटियों के सो जाने के बाद मीना के दिमाग में मुखिया की बोली हुई वो कड़वी बातें घूम रही होती है, और वो यही सोच कर पूरी रात आंखों से आंसू बहा रही होती है और कहती है, मुकेश जी आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए, आपके जाने के बाद मुझ पर और मेरी बच्चियों पर इन गांव वालों ने ना जाने कितने ताने मारे होंगे, और मुझ गरीब दर्जी की कोख से जन्म लेकर मेरी इन मासूम बच्चियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और मीना अपनी बड़ी बेटी से कहती है, अरे काजल बेटी तुम जाओ जल्दी से नदी पर से पानी भर कर लाओ, मैं जब तक खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है माँ।
इतना कहकर काजल जैसे ही नदी पर पानी भरने जाती है, तभी उसके लंबे बालों को देखकर सुनैना नाम की एक लड़की काजल से जलने लगती है और मन ही मन कहती है, पता नहीं इस गरीब दर्जी की बेटियों के बाल इतने लंबे कैसे हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे तो इस नदी से पानी नहीं भर सकती है? लेकिन क्यों सुनैना दीदी, गांव के सभी लोग तो यहीं से पानी भरते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं भर सकती हूँ? अच्छा तो अब तो जैसे गरीब दर्जी की बेटी मुझसे जुबान लड़ाएगी, रुक जा अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर सुनैना जैसे ही काजल के बालों को खींचने जाती है, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है। आप चिंता मत करिए सुनैना दीदी, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर काजल अपनी लंबी चोटी को नदी के अंदर फेंकती है और कहती है, सुने सुनैना दीदी आप मेरी चोटी को पकड़कर बाहर आ जाइए। इतना सुनकर सुनैना काजल की लंबी चोटी को पकड़कर नदी से बाहर आ जाती है और इस तरह मीना की बेटियों को जब भी मौका मिलता था तो वो गांव वालों की इसी तरह मदद करती थी, लेकिन फिर भी गांव वाले उन लोगों को बुरा भला कहते थे। ऐसे ही एक दिन जब मीना कपड़े सिल रही होती है, तभी अचानक से उसकी मशीन चलते चलते खराब हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, अचानक से ये मशीन कैसे रुक गई, कहीं ये खराब तो नहीं हो गई। अरे इसी के सहारे तो मैं अपनी बेटियों को दो वक्त की रोटी खिला पा रही थी, अब ऐसे में मैं क्या करूँगी। और इस तरह सिलाई मशीन खराब होने की वजह से मीना के घर के हालात दिन पर दिन और भी खराब होते जा रहे थे और अपनी गरीबी की वजह से वो अपनी बेटियों को पानी पिलाकर ही दिन काट रही होती है, लेकिन फिर भी गांव वालों को उन लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता। तभी एक दिन उस गांव में एक अनाउंसमेंट होता है, सुनिए सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो दिन बाद इस गांव में एक कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें जिसके भी बाल सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो ये कंपटीशन जीत जाएगा और जीतने वाले प्रतियोगिता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मीना की बेटियां ये अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपने सुना हमारे गांव में एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले प्रतियोगिता को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, फिर तो माँ हम भी इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और जीतने पर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम आपके लिए एक नई सिलाई मशीन और एक सुंदर सा बुटीक खोलेंगे, फिर हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन दीदी सिर्फ लंबे बाल होने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए हमारे पास सुंदर कपड़े भी होने चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए नए कपड़े। इतना कहकर मीना अपनी सिलाई मशीन को जैसे तैसे चलाकर बचे हुए कपड़ों को जोड़ जोड़ कर अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े बनाती है और वही कपड़े पहनकर उसकी बेटियां कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और अपनी लंबी चोटियों को लहराते हुए वो सभी का दिल जीत लेती है और ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है और उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम लेता देख गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन लोगों की सोच भी मीना की बेटियों के प्रति बदलने लगती है और इस तरह मिले हुए पैसों की मदद से मीना अपना एक बड़ा सा बुटीक खोलती है और अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल लेती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो लोग अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।